Sir, I have shared the news of IIT and who got the job in Group D. Please <laughs> tell us in which direction our country is moving. No, shocking hai bhai wo. Dehko, that is why we say that these places which are highly revered in our societies, whether it is IITs or IEMs or civil services, these places don't guarantee ki wo aap एग्जाम पास करना इज नॉट अ बिग थिंग पीछे जैसे एक घटना और घटी थी आपने देखा था जहां पे आई थिंक बस्तर जिले के डीएम जो कि 2012 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक उनकी दो बारहवीं थी या ऐसे ही कुछ था मतलब 20 के अंदर ही थे शायद वो और वो यहाँ गाजियाबाद में आकर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने सुसाइड कर लिया या जो आप ये न्यूज में सुनते रहते हैं कि इतने आई जो है वो ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं यानी आई में पहुंचने के बाद पढ़ाई नहीं कर रहे या सुसाइड कर ले रहे हैं बारह पंद्रह बीस तो केसेस हर साल होते ही जो आईआईटी में जाके सुसाइड कर रहे हैं अभी बैंगलोर में आईएससी में एक बच्चा जो है मास्टर्स का स्टूडेंट उसने सुसाइड कर लिया तो हमें समझना होगा कि हम किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं अब जैसे आप ये क्लास अगर पढ़ रहे हो क्या पर्पज है आपका वट इज द पर्पज इसी को कहते हैं मीन्स वर्सेज एंड हमें जिंदगी में हमेशा झुंझुने जुन पकड़ाए गए आगे के लिए ये वाला झुंझना है इसको तुमको पकड़ना वहां पहुंचते हो तो फिर वो झुंझुना कहीं और चला जाता है तो इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना होगा कि आप किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं अभी ये वो कैब की क्लास में आप मस्त हैं कि मैं वो कैब सीख रहा हूं यार कोई और टेंशन नहीं है कोई और चिंता नहीं ना कोई एग्जाम ध्यान में आ रहा है ना कोई नंबर याद आ रहा है ना किसी दोस्त की याद आ रही है ना किसी बैच की याद आ रही है अगला बैच का जैसे आप ये पूछते रहते हो उसका क्या मतलब है कि आप बीच में कहीं और जा रहे हो मत जाओ ना जब तो वो कैब चल रही समय पूरी मैं भी तो पूरा डूब के पढ़ाता हूँ दिन में कितनी बार गेयर बदलना पड़ता है वो कैब का बैच फिर मेंस का बैच फिर ये वो दिन में कितनी बार मैं गेयर बदलता हूं हर बार हर बच्चे को हर बैच को जो अलग चाहिए उस मोमेंट में रहना पड़ता है तो मोमेंट में अगर नहीं रहोगे अभी इस बच्चे ने अगर ऐसा डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है क्योंकि समाज में एक बड़ी सी गहरी सी चीज है सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी तो अगर ये सरकारी नौकरी को आप इतनी तवज्जो देंगे और बच्चा जब से पैदा हो रहा है तब से उसके दिमाग में वही खुराक है अब इन्होंने एक न्यूज शेयर की है जिन लोगों को नहीं पता शायद आ, हिंदुस्तान टाइम्स में निकली हुई है कि लड़का जो आईआईटी बॉम्बे से एमटेक है मेंस के बैच में है अभिनो उसने आरआरबी ये ग्रुप डी रेलवे वाली जो ग्रुप डी की नौकरी है वो ज्वाइन की है और वो अभी ट्रैकमैन है तो एक आईआईटी का टैलेंट जो है वो ग्रुप डी का काम कर रहा है रेलवे में ट्रैक वैन जहां उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई भी और उस आर्टिकल में क्या लिखा है कि वो मतलब जॉब सिक्योरिटी के लिए वो चला गया यार जीवन की सिक्योरिटी है नहीं अगले पल निकलो पता नहीं रोड पर निकलो कब ऊपर निकल लो तुम तो भाई सिक्योरिटी बड़ी चाहिए तो एक बार तय कर लो कि सिक्योरिटी चाहिए कि ग्रोथ चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा बाउंड्री के अंदर मिलती है उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन हम सबको चाहिए भी क्या कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो पैसा हो लोग जाने हर चीज अनलिमिटेड भी चाहिए हमें तो हम ही वो हैं जो कि एक्सिलेटर भी लगा रहे हैं और हम ही हैं वो जो ब्रेक लगा रहे हैं तो पहले जिंदगी से खुद बात करके तय कर लो जब ऐसे हालात पैदा होते हैं जब ऐसी जगहों पे पहुंचे हुए लोग सुसाइड कर रहे हैं जिनमें जीवन का भार ही बड़ा मुश्किल हो गया है तो इसका मतलब क्या कि वो अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं अपने आप से लगातार वो हैं कुछ और कर कुछ और रहे करना कुछ और चाहते हैं करवाया कुछ और जा रहा है और ये बहुत एप्ट सी बात है कि अब आपकी गाड़ी में अगर चार पहिया आप हैं कुछ और कर कुछ और रहे हैं करना कुछ और चाहते हैं करवाया कुछ और जा रहा है आप बहुत ज्यादा काबिल हो लेकिन क्योंकि आपके चार पहिए चार डायरेक्शन में है आपकी गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन जैसे ही चारों पहिए एक दिशा में हो जाएं तो आपकी गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है जीवन में हम इसी मामले में सबसे ज्यादा से हुए हैं तो आप खुद से मुलाकात करो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी और जिस दिन आपने ये चारों चारो चारो इन मैंने बता दिया ना हो कुछ और कर कुछ और रहे हो करना कुछ और चाहते हो करवाया कुछ और जा रहा है यानी तुम्हारे अंदर ही सिंक नहीं है इसी को हम कहते हैं डिसोनेंस जो कॉन्सोनेंस का अपोजिट है ये साइकोलॉजी का टर्म है कॉग्नेटिव डिसोनेंस यानी आप अपने आप से ही जद्दोजहद कर रहे हैं तो ऐसे हालात में फिर ऐसी परिस्थितियां जरूर पैदा होंगी और हमारे लिए बड़ा शॉकिंग होता है यार आई आई टी में बनकर सुसाइड कर लिया पागल था क्या वो तो, तो टफेस्ट एग्जाम है आई में पहुंच के और आप जरा रिपोर्ट देखो तो आई आई टीज आईएम से ड्रॉप आउट रेट कितना बढ़ गया है जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उसमें से 30 से 35 परसेंट लोग पूरा कोर्स पूरा नहीं कर रहे उसके पहले ही छोड़ के चले आ रहे हैं या वहां से उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे जिनको नहीं मिला वो रोना पीटना मचा रखे हैं जिनको मिल चुका है उनको उसमें कोई वैल्यू नजर नहीं आता तो ये थोड़ा जो सुख दुख का मामला है जो हमें झुंझुने दूर से दिखाए जाते हैं जब वो झुंझुना मिल जाता है ना फिर बड़ी दिक्कत होती है तो इसलिए झुंझुनू के टाक में मत रहो कि दूर क्या है आप अपनी लाइफ को लगातार पोस्टपोन कर रहे हो खुद से बात करके देख लो पांच साल पहले जहां खुद के बारे में सोचा था आज वहां पर हो क्या तो आगे आगे क्यों सोचते हो जहां हो वहीं पर पूरी तरीके से सोच लो मामला क्लियर हो जाएगा जैसे होता है ना कि एक कांटे में जब मछली पकड़ते हो आप उसमें आटा लगाया जाता है ना आटा क्या है आटा सुख है लेकिन उस आटे को लगाया कहां है कांटे में तो हमें सुख दुख ऐसे ही दिखाई देता है जब तक दूर है मछली जब तक देख रही अच्छा अच्छा क्या बात है खाना मिलेगा गई आटे के पास फंसी उसमें और फिर निपट ली तो हम भी दूर वाला देखते हैं जैसे ही वो चीज मिल जाती है ना फिर उसका मोल खत्म हो जाता फिर कुछ और दूर देखने लगते हैं जैसे कहा गया था बेटा दसवीं कर लो देखो जिंदगी में क्या रंग आएगा तुम्हारे क्या बाहर आएगी नहीं आया फिर हमें बारहवीं पकड़ा दिया गया कि बेटा बारहवीं में ग्रेड्स आए फिर तुम्हें ग्रेजुएशन का पकड़ाया जाएगा कि बेटा ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से करो अच्छे नंबर से ले यही तुम्हारी दिशा तय करता है ये बार बार कहा जाएगा तुम्हें फिर तुम्हें मास्टर कहा जाएगा ग्रेजुएशन करके क्या होगा अभी मास्टर्स कर लो और देख लो मास्टर्स किए हुए लोग ट्रैकमैन बन रहे हैं चपरासी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई उसके लिए हैं बहुत सारे लोग आप अपनी पढ़ाई लिखाई क्यों खराब कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि आप अपने अंदर ही डिवाइडेड हो बटे हुए हो फटे हुए हो और जब तुम जो कि सोर्स है वही बटा हुआ है तो तुमसे निकली हुई हर चीज बटी होगी तुम्हारी पढ़ाई बटी होगी तुम्हारा करियर तुम्हारे रिलेशनशिप हर जगह तुम डिवाइडेड होगे और फिर धीरे दिर धीरे डिप्रेशन की तरफ जाते रहोगे तो ये पूरा का पूरा इसका साइकिल है आ, हाँ बक्सर के डीएम थे बिल्कुल आशुतोष चलिए तो इसीलिए हम यहां पे ध्यान दें अपनी चीजों के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं और थोड़ा अपने आप को इंडिविजुअल के तौर पे देखना शुरू करो नाम वाम हटा के नाप परिवार खानदान डिग्री पढ़ाई सब छोड़ के ना जरा इंसान से मिला करो कभी कभार कि मेरे साथ क्या चल रहा है क्या कर रहा हूं मैं जब ये वाली मुलाकात होगी तब ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी तब आपके सपने आपके होंगे अभी तो हमारी सारे सपने उधार के हैं उधार की जिंदगी उधार का ज्ञान किसी ने जीवन बता दिया ऐसा होता है किसी ने कहा महान नौकरी ये होती है कहा महान डिग्री ये होती है ये ले लो हम ले, ले करके घूम रहे हैं बस उसका बोझ अपने मन पे तो इसीलिए बड़ा भारी भारी भी फील करते हैं थकान फील होती है हमें करते कुछ नहीं है थक ज़्यादा जाते हैं क्योंकि तो कचरों का बोझ बहुत है वो कम करें जिस जहां पर रहें वहां पूरी तरीके से रहना सीखें पहले